वेलकम एवरी वन, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11 ऑफ एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन नंबर 4, secant x इज इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर 5 टी रेशियोज. हमें एक टी रेशियो दी हुई है, secant x इज इक्वल टू 13/5 और x जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है. दैट मीन्स अगर हमें फर्स्ट में एंगल चाहिए होता है तो हम इधर से एंगल बनाते हैं, सेकंड में अगर हमें बनाना है तो ऐसे बनाते हैं, हमें हमेशा ओरिजिन से बनाना है. थर्ड में बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, फोर्थ में जब हम एंगल बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे. एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स एक्स जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर सकता है, करता है. और हमें दोबारा से ये बात रिकैप्चुलेट करनी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होती है. ऑल साइन 10 एंड कोस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज से सी, सी से कॉस, कॉस और कोस एक्स एंड सिकेंड एक्स, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और बाकी सारी टी रेशियो नेगेटिव होंगी. तो सबसे पहले हम फिर से वही करते हैं कि जो टी रेशियो हमें गिवन है, हम पहली टी रेशियो उसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं. सिकेंड एक्स इज इक्वल टू 13/5, सो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/secx, इसका रेसिप्रोकल है. सो 1/13/5, दैट इज 5/13. तो ये हमारे पास आ गई कोस एक्स की वैल्यू. और हमें ये भी देखना है कि कोस एक्स अगर जहाँ पर 5/13 है तो क्या ये कोस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सही साइन है, इसका पॉजिटिव है. यस, कोस एक्स और सिकेंड एक्स पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है इसकी कोस एक्स की, बिकॉज कोस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. उसके बाद अब हमने सिकेंड और कोस एक्स कैलकुलेट कर लिया, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, एक ही था जो हमने अप्लाई कर दिया और कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें सिकेंड एक्स की वैल्यू गिवन थी 13/5, कोस एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5/13 और जो बाकी हमें टी रेशियो चाहिए वो हमें चाहिए साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स. तो दो ये हमारे पास हो गई और ये हमारे पास नहीं है, इनको हमने कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या सिकेंड एक्स का इनमें से किसी के साथ रिलेशन है, क्या कोई आइडेंटिटी पता है जिससे हम एक टी रेशियो निकाल पाएँ. यस, सिकेंड एक्स और टेन एक्स का रिलेशन है, जो हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी. सिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 10th स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम 10th square x और सेकेंड स्क्वेयर एक्स, अब हमारे पास सेकेंड एक्स है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करके 10th स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकाल के 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो सेकेंड एक्स इज 13/5, यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से हमें क्योंकि सेकेंड यहाँ से भी देख सकते हैं सेकेंड, ये सेम वैल्यूज मैंने लिखी हैं यहाँ. सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 13/5 और इसका स्क्वेयर माइनस 10th स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, इसको इसका स्क्वेयर खोल लेते हैं, 169/25 माइनस 10th स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1. यहाँ से हम 10th स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 169/25 और इस माइनस को हम 1 को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस 1 हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस पॉजिटिव 10th स्क्वेयर एक्स. ये नेगेटिव है, इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो 10th स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 169-25. सो 10th स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 144/25. सो 10th स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 144/25. सो 10x अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये स्क्वेयर इधर आकर स्क्वेयर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 144/25. दिस इज 10x. अब 10x किसके इक्वल होगा, ये इसका रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 144/25. तो 10x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 144 का रूट 12 और 25 का 5, दिस इज प्लस माइनस 12/5. अब 10x, थीटा लाइज इन, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है,
और टेन एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि कोस एक्स और सेकेंड एक्स पॉजिटिव है, तो हम इस प्लस साइन को रिजेक्ट करके और जो नेगेटिव साइन है वो हमारा टेन एक्स आ जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/5। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/12। अब हमारे पास तीन टी रेशियोज आ गई, अब हमें निकालनी है साइन एक्स, कोट एक्स और कोसिकेंड एक्स। यहाँ से हम कोट एक्स बड़ी इजली निकाल सकते हैं, हम देख पा रहे हैं क्योंकि टेन एक्स हमें मिल गया, तो कोट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, दैट इज 1/10x। टेन एक्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है माइनस 12/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 5/12, और कोट एक्स भी नेगेटिव रहेगा। और इन सब के आगे हम ये मेंशन कर देंगे कि टेन एक्स इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से यहाँ पर कॉट एक्स इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्यों देख रहे हैं इसको, बिकॉज हमें कंडीशन दी हुई है कि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए हम सारे टी रेशियोज को फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कोट एक्स भी आ गया, दैट इज माइनस, ये हमारे पास माइनस टेन एक्स जो था हमारे पास था माइनस 5/12/5 और कोट एक्स जो है ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज माइनस 5/12। उसके बाद अब हमारे पास रह गया साइन एक्स और कोसिकेंड एक्स, अगर इनमें से एक हमारे पास आ जाए तो हम दूसरा उसका रेसिप्रोकल निकाल के करके निकाल लेंगे। तो साइन एक्स भी पता है, कोस एक्स भी पता है, तो सबसे इजी आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। मतलब हमने वो आइडेंटिटी लगानी है जिसमें से हमें एक टी रेशियो पता है, उसकी वैल्यू पुट करके हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वेयर एक्स हमें कैलकुलेट करना है साइन एक्स, तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। कोस स्क्वेयर एक्स क्या होगा, 5/13। कोस एक्स हमें क्या गिवन था, कोस एक्स हमें क्या कैसे कैलकुलेट किया था, इसका रेसिप्रोकल करके 5/13 और इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 25, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 25/169, इनका स्क्वेयर खोल दिया इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। इस 25/169 को हम इस साइड ले आए, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 169, और यहाँ हमारा आ जाएगा 169 माइनस 25, क्योंकि यहाँ 1 माइनस 25/169 है। तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 144/169, इनको माइनस करके 144 आ गया। तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा, दैट इज प्लस माइनस रूट 144/169। 144 का स्क्वेयर रूट 12 और 169 का जो स्क्वेयर रूट है दैट इज 13, तो प्लस माइनस 12/13। अब फिर से हम ये चेक करेंगे कि साइन एक्स का साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो भी नेगेटिव होगा, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं प्लस साइन को, और दिस एम्प्लॉयज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/13, और यहाँ पर भी ये मेंशन कर देंगे हम कि बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड देयरफॉर साइन एक्स इज नेगेटिव। और उसके बाद अब हमारे पास साइन एक्स आ गया -12/13, ये साइन की भी वैल्यू आ गई। और अब हम कोसिकेंड की वैल्यू बड़ी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, और 1/sin x दैट मीन्स 1/-12/13, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -13/12। तो कोसिकेंड एक्स क्या आया हमारे पास, -13/12। तो ये सारी हमने यहाँ पर अलग से क्यों लिखी हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है, एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सी टी रेशियोज आ चुकी हैं और कौन सी हमने कैलकुलेट करनी है, दूसरा हम जो टी रेशियोज कैलकुलेट कर चुके होते हैं वहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो हमने निकालनी है टी रेशियोज उनके साथ कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सी आइडेंटिटी उनमें हम लगाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अगेन टेन एक्स इज गिवन -5/12 एंड एक्स लाइज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है, दैट मीन्स दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है, एक्स है, वो लाई करता है, तो दिस इज़ एक्स एंगल। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाकी की फाइव टी रेशियोज निकालनी है। वन टी रेशियो इज़ गिवन 10x इक्वल टू माइनस 5/12। तो पहली टी रेशियो तो इसका रेसिप्रोकल करके निकाल लेते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1/10x, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 12/5। तो दो टी रेशियोज आ गई हमारे पास, एक आ गई हमारे पास 10x इज ऑलरेडी गिवन माइनस 5/12, और कोट एक्स हमने अभी कैलकुलेट की इसका रेसिप्रोकल निकाल के माइनस 12/5। अब इनके बीच में तो यही रिलेशनशिप था। अब जो बाकी की बची रेशियोज हैं वो हैं हमारी जो निकालनी हमें, साइन एक्स, कोस एक्स एंड सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ये निकालनी है। तो हम ये देख सकते हैं कि 10x और sin x की हमें कोई आइडेंटिटी नहीं पता, और 10x और cos x की आइडेंटिटी भी नहीं पता, 10x और secant x की आइडेंटिटी पता है, और जिसमें से हमें 10x पता है उसको, उसकी वैल्यू रख के हम secant x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या है वो आइडेंटिटी, secant square x माइनस 10 स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1। तो सिकेंड स्क्वेयर एक्स, सिकेंड एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो सिकेंड स्क्वेयर एक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस 10x, 10x की वैल्यू हमें पता है, माइनस 5/12 होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। सो सिकेंड स्क्वेयर एक्स इक्वल, सिकेंड स्क्वेयर एक्स और ये माइनस है तो इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ, और 1, और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वेयर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 25/144। तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, सेकंड स्क्वेयर एक्स इक्वल टू एलसीएम 144 एंड 144 प्लस 25 दैट इज़ 169/144। तो सेकंड एक्स कैलकुलेट करना है, स्क्वेयर को इधर करके स्क्वेयर रूट में चेंज कर देते हैं, 169/144 प्लस माइनस 7 में लगेगा, और सेकंड एक्स इज इक्वल टू √169/√144, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड दिस विल गिव अस 13, इसका रूट 13 होता है और इसका 12, तो 13/12, लेकिन प्लस माइनस 7 में है, तो हमें डिसाइड करना है कि सेकंड एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड एक्स क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स पॉजिटिव रहेंगे और बाकी नेगेटिव रहेंगे, ऑल साइन 10 कोस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल स्कूल से एस साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल हमें साथ में पॉजिटिव रखना है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स की क्या रहेगा, प्लस माइनस वन, ये आ गया हमारे पास सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 13/12, ये आ गई हमारे पास 13/12 सेकेंड एक्स की वैल्यू। अब सेकेंड एक्स से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस एक्स का, और कोस एक्स सेकेंड एक्स का, तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/secant x। तो जब भी हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जरूर देख लेते हैं कि क्या उसका रेसिप्रोकल हम निकाल पाएंगे। तो अगर रेसिप्रोकल हमारे पास नहीं कैलकुलेट किया हुआ हो तो हम वहाँ से इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/ अब ये सेकेंड एक्स क्या था, इसमें नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट करके हम लेंगे माइनस 13/12 सेकेंड एक्स की वैल्यू, और इस सेकेंड एक्स की वैल्यू हम जहाँ माइनस 13/12 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12/13। तो ये हो गई हमारी कोस एक्स की वैल्यू, तो कोस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं माइनस 12/13। उसके बाद अब हमारे पास कितनी टी रेशियोज आ गई, 1, 2, 3, 4, दो टी रेशियोज बची हैं, साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स, साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स जिसमें से हमें साइन एक्स और कोस एक्स जिसमें हमें कोस एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें इनकी रिलेशनशिप पता है, और वो क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन, साइन तो हमें कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 12/13 होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 144/169 इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर ले जाते हैं, 144/169। तो साइन
स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं 169 169 माइनस 144, और जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी 25 अपॉन 169, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। सो उसके बाद फिर हम यहाँ इसको कर रहे हैं साइन एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो स्क्वायर जो है ये इस साइड जाके प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 169 हो जाएगा, एंड दिस विल बी प्लस माइनस 5 अपॉन 13, क्योंकि इसका रूट 5 और इसका रूट 13। सो साइन एक्स अगेन प्लस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 13, और साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, एंड जो ये नेगेटिव साइन है इसको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस 5 अपॉन 13, और इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद अब साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कितनी आई 5 अपॉन 13। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, दैट इज़ कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर टेन एक्स मिल गया, कोट एक्स मिल गया, और उसके बाद हमें मिल गया सीकेंट एक्स और कोस एक्स, कोस एक्स भी हमें मिल गया है -12 अपॉन 13, तो कोसिकेंट एक्स नहीं है हमारे पास, तो सिंपली वी कैन फाइंड फ्रॉम हेयर साइन एक्स है हमारे पास, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स है, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 अपॉन 13, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 13, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 13 अपॉन 5 मिल जाएगा, और ये इसका साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी इसमें देखा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेकेंड आर पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यूज़